क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का जमाना ऑटोमेटिक जमाना है, स्वचालित जमाना है। कहने का मतलब, आज हमारे यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक एक्सकलरेटर्स है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, कई सारी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। और ऑटोमेटिक का अर्थ क्या होता है? जो अपने आप से चलती है। लेकिन उस चीज़ को अपने आप से चलने के लिए भी एक चलाने वाला चाहिए, और वो एक जिम्मेदारी का काम है। और यही आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं या समझते हैं। आज के सुसमाचार में भी हमको बताया गया, दो उदाहरण दिए जाते हैं, एक बीज का और एक राई के दाने का। और इन दोनों की तुलना स्वर्ग राज से की जाती है कि किसान जब बीज बोता है, वो नहीं जानता कि उसमें अंकुर कब फूटता है, कब वो पौधा बन जाता है और कब वो फल देता है। और दूसरा, राई का दाना सबसे छोटा होते हुए भी एक बड़े विशाल महाकाय पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, और उस पर आकर पक्षियाँ अपने घोंसले बनाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारी दुनिया भी ऑटोमेटिक नहीं है? क्या पूरी सृष्टि ऑटोमेटिक नहीं है? अगर हम लोग देखते हैं कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद अलग अलग अन्य ऋतु आती है, और ये अपने आप में चलती रहती है। हमारे शरीर के अंग को ही देख लीजिए, हम में ही कितना ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। लेकिन ये सब किसने किया है? एक व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो हमारी रचना की देखभाल करता है या उसको चलाता है। अगर आज हम ऑटोमेटिक चीज़ों की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक चीज़ें थोड़े समय बाद चलते चलते ख़राब भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। उनको मेंटेन करना या उनको चलते रहने के लिए मदद करना एक जिम्मेदार व्यक्ति की ज़रूरत है। तो सृष्टि का भी यही हाल है। प्रभु ने सृष्टि को बना के यूं ही छोड़ नहीं दिया, वह भी हमारे साथ है, वह हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हमारे कार्य करने से पहले, हमारे सोचने के पहले, हमारे कोई भी निर्णय करने से पहले प्रभु हमारे रास्ते तैयार कर रहा है, ताकि हम इस दुनिया में आसानी से और सादगी से अपना जीवन बिता सके। पर क्या हम उसकी उपस्थिति से वाकिफ है? कुछ दिनों पहले हमने क्रिसमस का पर्व मनाया था, और हमने इस शब्द को बहुत गहराई से सुना और मनन किया। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में बताया गया था, एक स्त्री गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। क्या आप और मैं अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को मैं अनुभव करते हैं? हमारे जीवन में जो भी अच्छे समय या खुशी के समय जब आते हैं, या चाहे दुख भी आता है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ बना रहता है। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास की अधिक ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करते, हम इन शब्दों को या प्रभु के वचनों पर भी अमल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और आगे में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। फिर एक बार ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रभु के इतने आश्वासन भरे शब्द हैं कि हमें जब तक इन पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, इन शब्दों को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब को करने के लिए जब प्रभु हमें सिखाता है,
तो हमको उनको सुनना भी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन को सफल बनाना है या एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हमें प्रभु की बातों को सुनना भी है, उन पर मनन भी करना है या उन पर चलना भी है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो भी सोचते हैं या जो भी कार्य करने का निर्णय करते हैं उसके पहले से ही प्रभु कार्य में लगा हुआ है, हमारे लिए रास्ते साफ करने में लगा हुआ है, ताकि हम सफलतापूर्वक और आनंदपूर्वक हमारा जीवन जी सके। क्योंकि प्रभु का अस्तित्व ही यही है कि वह अच्छा है, भला है और वह हमेशा भलाई हम सबों के जीवन में भी चाहता है। वह भी चाहता है कि जैसे वो भला और अच्छा है, हम भी भले और अच्छे बने। आइए हम प्रभु से ये सीख लें, उसके शब्दों पर मनन करें और प्रभु सदा, और यह कभी ना भूलें कि प्रभु सदा हमारे साथ है। तो चाहे फिर कोई विपत्ति आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, केवल प्रभु की ओर नज़र डौलाएं और प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।